हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं थर्ड पार्ट वाटर डिमांड का। हमने दो पार्ट इसके बना चुके हैं, ये लास्ट पार्ट है जिसमें हम कवर करेंगे लॉजिस्टिक कर्व और जो जो एक्सप्रेशन हमने पढ़े थे इंपॉर्टेंट फार्मूलाज, वो मैं सब डिस्कस करूँगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ आप जितनी बार उन्हें देखोगे, जितनी बार सॉल्व करोगे, आपको उतना ज़्यादा याद होगा। सो जो न्यू है मेरे चैनल में, प्लीज़ सब्सक्राइब करें और पहली दो वीडियो ज़रूर देखें एनवायरनमेंट की, और मैंने मैथ्स की वीडियोस भी बनाई हैं तो प्लीज़ उनको भी ज़रूर विज़िट करें, और ट्रिक्स की भी हैं कुछ वीडियोस, उनको भी ज़रूर देखना। सो हम स्टार्ट करते हैं अपना वाटर डिमांड का जो लास्ट टॉपिक है, वो है लॉजिस्टिक कर्व। अब लॉजिस्टिक कर्व होता क्या है, मैं आपको ये एक कर्व से समझाऊंगा कि लॉजिस्टिक कर्व क्या होता है। सो जो कर्व है, इट इज़ बिटवीन टाइम एंड पॉपुलेशन। टाइम जो है ये ईयर्स में है। अब मान लो कोई सिटी है, लेट्स अज्यूम कि एक सिटी है जिसकी इनिशियल पॉपुलेशन है पी नॉट, कुछ टाइम तक वो कांस्टेंट चल रही है, आफ्टर दैट क्या हुआ, एक टाइम के बाद तो ग्रेजुअली या रैपिडली, नॉट ग्रेजुअली, रैपिडली इंक्रीज हुई। अब रैपिडली इंक्रीज हुई तो रैपिडली इंक्रीज किस किस फैक्टर से हो सकती है, दो फैक्टर हो सकते हैं जो बेसिकली होता है, एक होता है बर्थ रेट, इससे भाई वहाँ पॉपुलेशन इंक्रीज होगी, दूसरा हो सकता है माइग्रेशन कि भाई वहाँ जॉब की डिमांड बढ़ेगी और लोग वहाँ की तरफ शिफ्ट होने लगे। तो क्या हुआ, एक पॉइंट के बाद दूसरे पॉइंट में, अब जब यहाँ पहुँचे तो यहाँ से क्या हुआ, वो ग्रेजुअली और रैपिडली इंक्रीज होने लगी। जैसी वो रैपिडली इंक्रीज हुई, इंक्रीज होती गई, एक पॉइंट आएगा उसको बोलते हैं सैचुरेशन पॉइंट, कि उसको हमने डिनोट किया पी एस से। उसके बाद क्या होता है, पॉपुलेशन अब उससे ज़्यादा वहाँ नहीं बढ़ सकती। हर सिटी की एक रिक्वायरमेंट होती है कि भाई एक पॉइंट ज़रूर आएगा जब उससे ज़्यादा वहाँ लोग नहीं बढ़ सकते, तो उसके बाद फिर कांस्टेंट हो जाएगा। तो यही जो कर्व है, यही एक लॉजिस्टिक कर्व होता है। अब इसमें ज़्यादा डीप में नहीं घुसना है, बस मैं आपको कुछ कुछ कीवर्ड्स पहले बता देता हूँ, फिर हम फॉर्मूले में पहुँचेंगे कि क्या कैसा फॉर्मूला और क्या क्या है। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो पी नॉट। पी नॉट क्या होता है, ये होता है पॉपुलेशन एट बिगनिंग में जो पॉपुलेशन है। सेकंड पी एस क्या होता है, सैचुरेशन पॉपुलेशन। अब मान लो कि हमने यहाँ इन बिटवीन किसी T1 में कुछ पॉपुलेशन रही होगी P1, T2 में कुछ पॉपुलेशन रही होगी P2, तो P1 क्या है, ये होता है पॉपुलेशन After time T1 years, ठीक है। और P2 क्या है, population after time T2 years। तो ये हमें बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए थोड़ी। अब हम जनरल फार्मूला निकालेंगे जो लॉजिस्टिक कर्व का फॉर्मूला है, बेस फार्मूला। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पॉपुलेशन कैसे कैलकुलेट करेंगे, पॉपुलेशन एट एनी टाइम फ्रॉम स्टार्टिंग से हम कैसे पॉपुलेशन करेंगे, पॉपुलेशन आफ्टर एनी टाइम फ्रॉम स्टार्ट इज गिवन एज, मतलब जो स्टार्ट से जो पॉपुलेशन है वो हमें कैसे दी जाएगी। यहीं से हमारे फॉर्मूले होते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलेज, तो हम उसको डिनोट करते हैं। जो लॉजिस्टिक कर की जो बेसिक इक्वेशन है वो क्या होती है, पी मतलब किसी भी टाइम में पॉपुलेशन, पी इक्वल टू सैचुरेशन पॉपुलेशन अपॉन 1+m log बेस ई इनवर्स ब्रैकेट एन टी, जहाँ पे m होता है सैचुरेशन पॉपुलेशन माइनस बिगनिंग पॉपुलेशन अपॉन बिगनिंग पॉपुलेशन। अभी आपको देख के पता चल रहा है ये कांस्टेंट होगा, क्योंकि किसी भी सिटी की सैचुरेशन पॉपुलेशन एक ही होगी, उससे ज़्यादा नहीं बढ़ सकती, अब बिगनिंग पॉपुलेशन भी एक ही रही होगी, तो ये तो कांस्टेंट रहता है। और अब इसमें दूसरी टर्म आपने देखी होगी पी एस कैसे कैलकुलेट होगा, पी एस होता है 2P0P1 × P2 − P1² (P0P2 − P1²). अब आप देख रहे होंगे ये फॉर्मूले बड़े कॉम्प्लिकेटेड से हैं, बट याद इनको करना ही पड़ेगा, बाय हार्ट याद कर लो, बाय चांस यहाँ से क्वेश्चन आ गया तो आप उसे छोड़ो ना, क्योंकि फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन अगर आपने छोड़ दिया
फिर तो बहुत ही बुरी बात है, ठीक है। तो दो फॉर्मूले ये हो गए। अब इसमें एक टर्म और थी n, n क्या होता है, n इक्वल टू 1 बाय टी लॉग बेस ई ब्रैकेट पी नॉट ब्रैकेट पी एस माइनस पी वन ब्रैकेट क्लोज अपॉन पी वन ब्रैकेट पी एस माइनस पी नॉट ब्रैकेट क्लोज अपॉन। अब याद रखना जो ये t है, ये t कौन सा टाइम होता है, ये t हमेशा होता है t1 टाइम। तो फॉर्मूला रीचेंज करके ऐसा बन गया, ठीक है। अब आपको पता है अगर हमें e बेस हटाना होता है तो हम किससे इंटू करते हैं, 2.303 से, तब वो 10 की फॉर्म में आ जाता है। तो जो हम पे अल्टीमेट फार्मूला बना, मतलब आप सॉल्व इससे भी कर सकते हो पर जनरल फॉर्म में ये होता है, तो हम पे टोटल तीन फार्मूले आ चुके हैं जो हमें देखने और बाय हार्ट याद होने चाहिए, ये वाला और ये वाला, ठीक है। अब इसके बेस में एक क्वेश्चन कराऊंगा, जैसे ही क्वेश्चन कराऊंगा आपको सब क्लियरिटी आ जाएगी कि कैसे कैसे न्यूमेरिकल आप पूछा जाता है। तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि इन टू पीरियड्स ऑफ ईच 20 ईयर्स अ सिटी हैज़ ग्रोन फ्रॉम 30,000 टू 1,70,000 एंड देन टू 3 लाख। मतलब आपको पता चल गया कि इनिशियल पॉपुलेशन 30,000 रही होगी, उसके बाद वो इंक्रीज हुई P1 तक, तो P1 कितना होगा 1,70,000, उसके बाद वो इंक्रीज हुई P2 तक, कितना हुआ 3 लाख, ठीक है। तो हमको दे रखी, तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, सैचुरेशन पॉपुलेशन। तो सैचुरेशन पॉपुलेशन का आपको मैंने अभी फॉर्मूला बताया था, क्या बताया था, 2 P0 P1 P2 माइनस P1 का स्क्वायर ब्रैकेट P0 प्लस P2 अपॉन P0 P2 माइनस P1 का स्क्वायर। अब जब हमने इसे सॉल्व किया तो सॉल्व करने के बाद हम वैल्यू रख रहे हैं, तो हमने जब वैल्यू रखी, मान लो इसको सिंप्लीफाई करके लिख दो 3 × 10^4, इसको लिख दो 17 × 10^4, इसको लिख दो 3 × 10^5, इससे क्या होगा, इजी हो जाएगा आपको लिखने के लिए। तो हमने जब ये लिख दिया तो हम अब क्वेश्चन कर रहे हैं, तो 2 × 3 × 10^4 × 17 × 10^4 × 3 × 10^5 माइनस P1 कितना है 17² × 10^8 ब्रैकेट में P1 कितना है 3 × 10^4 प्लस P2 कितना है 3 × 10^5 अपॉन P0 कितना है 3 × 10^4 × 3 × 10^5 माइनस P1 कितना है 17² × 10^8। जब हमने इसे सिंप्लीफाई किया तो सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास जो आंसर आया वो आया 3, 2, 5, 4, 7, 7, ये हम पे आंसर आ गया। तो हमने पहला पार्ट निकाल दिया ए। अब दूसरा पार्ट हमें क्या बोल रहा है, इक्वेशन ऑफ लॉजिस्टिक कर्व। अब लॉजिस्टिक कर्व की इक्वेशन हमको पहले पता होनी चाहिए, इक्वेशन क्या है, पी इक्वल टू पी एस अपॉन 1+m लॉग ई बेस इनवर्स एन टी। अब पहले हम m निकालेंगे, m क्या होता है, सेचुरेशन पॉपुलेशन माइनस इनिशियल पॉपुलेशन अपॉन इनिशियल पॉपुलेशन। सो सेचुरेशन पॉपुलेशन अभी हमने कैलकुलेट करी, इनिशियल पता है हमें 30,000 अपॉन 30,000, ये जब हमने कैलकुलेट किया तो m की वैल्यू हम पे आई 9.85। अब हम n निकालेंगे, n क्या होता है 1/t इंटू लॉग ई ब्रैकेट पी नॉट पी एस माइनस पी वन अपॉन पी वन पी एस माइनस पी नॉट ब्रैकेट क्लोज। अब t मैंने आपको बताया था T1 मानते हैं, तो T1 क्या है इसमें, टू पीरियड्स ऑफ ईच 20 ईयर्स। तो मान लो, तो इससे आपको पढ़ के ही पता चल रहा है कि भाई t पहले 0 रहा होगा, फिर t 20 साल बाद T1 हुआ, फिर T2 क्या हुआ 20 साल बाद 40 हो गया। तो हमें T1 पता चल गया 20 है, तो 1/20 log e बेस P0 की वैल्यू रखी हमने 3 × 10^4, PS की वैल्यू रखी हमने 3, 2, 5, 4, 7, 0, 7, 7 माइनस, और P1 की वैल्यू रखी हमने 17 × 10^4 अपॉन नीचे जो फॉर्मूला बना P1 रखा हमने 17 × 10^4, उस पर अंदर लिखा हमने 3, 2, 5, 4, 7, 7 माइनस
पी नॉट, पी नॉट की वैल्यू है 3 × 10⁴। तो जब हमने इसको सॉल्व किया तो सॉल्व करके हमको जो n की वैल्यू मिली वो -0.1188 मिल गई। तो अब हम p की वैल्यू यहाँ से रख सकते हैं, हमको सारी टर्म मिल चुकी है, तो ps हमें पता है, अपॉन 1 प्लस m पता है हमें 9.85, लॉग ई इनवर्स n पता है -0.1188 × t। तो हम पे जो लॉजिस्टिक कर की इक्वेशन आई, लॉजिस्टिक कर की इक्वेशन हमारे पास ये आ गई, ठीक है। तो हमारा सेकंड पार्ट भी हो गया। अब हम थर्ड पार्ट की बात कर रहे हैं, तो थर्ड पार्ट क्या बोल रहा है, थर्ड पार्ट बोल रहा है कि कितनी पॉपुलेशन होगी आफ्टर 60 ईयर फ्रॉम द स्टार्टिंग, स्टार्टिंग से 60 ईयर तक कितनी पॉपुलेशन होगी, ठीक है। तो इसका थर्ड पार्ट मैं आपके सामने डिस्कस कर रहा हूँ, आफ्टर 60 ईयर। तो लॉजिस्टिक कर की इक्वेशन ये है, आपके स्क्रीन के सामने लिख दिया मैंने, सेचुरेशन पॉपुलेशन हमें पता है, अपॉन 1 प्लस m की वैल्यू पता है 9.85, लॉग e इनवर्स n की वैल्यू हमने निकाली -0.1188 × t, हमें 60 पता है। तो जब हमने इसे कैलकुलेट करा तो हमें पॉपुलेशन मिली 322924.9, जिसको अप्रॉक्सीमेटली हम 9 को यहाँ शिफ्ट करेंगे तो 5 हो जाएगा, ठीक है। तो हमने तीनों पार्ट इसके निकाल चुके हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से हमने फॉर्मूले इसमें निकाले थे, क्योंकि हमारा सारा हो चुका है पहले चैप्टर का, अब फॉर्मूले क्या क्या इंपॉर्टेंट है हम वो डिस्कस करेंगे। डिस्कस करते हैं इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन जो हमने अभी तक जितने भी फॉर्मूले पढ़े, एक बार उसे याद करते हैं कि क्या क्या हमने पढ़ा। तो पहला फॉर्मूला जो हमने पढ़ा था फायर डिमांड में, याद करो, कोचिंग फार्मूला पढ़ा था। मैं चाहता हूँ कि ये वीडियो आप पॉज करो, सारे फार्मूले खुद लिखो और उसके बाद फिर टैली करो कि भाई फार्मूले सही हैं या नहीं। तो पहला फार्मूला हमें कोचिंग फार्मूला पढ़ते क्या होता है, क्यू इक्वल टू 3182√p, जो p होता है थाउजेंड्स में, जो कभी नहीं भूलना आपको, ठीक है। सेकेंड हमने पढ़ा था फ्रीमैन्स फार्मूला, फ्रीमैन्स फार्मूला क्या होता है, क्यू इक्वल टू 1136 ब्रैकेट p अपॉन 5 प्लस 10। थर्ड हमने पढ़ा था अंडरराइटर्स फार्मूला, अंडरराइटर फार्मूला क्या होता है, क्यू इक्वल टू 4637 √p ब्रैकेट 1 − 0.01 √p। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको आपको याद करना चाहिए क्योंकि इससे आ सकता है क्वेश्चन। जो फोर्थ है, फोर्थ फार्मूला हमने पढ़ा था बस्टन फार्मूला, बस्टन फार्मूला क्या होता है, ये होता है क्यू इक्वल टू 5663 √p। ये जो फॉर्मूले पढ़े थे हमने फायर डिमांड्स के लिए पढ़े थे कि फायर डिमांड कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। अब हम डिस्कस कर रहे हैं भाई, ये सारे फॉर्मूले तो हो गए, अब फिफ्थ फार्मूला जो है वो हम डिस्कस कर रहे हैं कि आपने याद होगा हमने उसके लिए पढ़ा था, क्या उसका नाम, फॉरकास्टिंग के मेथड्स के लिए। जैसे पहला इसमें आता था अर्थमैटिक इंक्रीज मेथड, जिसका हमने फॉर्मूला पढ़ा था पी एन इक्वल टू पी नॉट प्लस एन एक्स बार, जहाँ पे मैंने एक्स बार बोला था कि ये होता है एवरेज अर्थमैटिक मीन ऑफ पॉपुलेशन इंक्रीज, पी नॉट इनिशियल पॉपुलेशन बताई थी मैंने, जिसको आप बोलते थे प्रेजेंट पॉपुलेशन। ये मैंने आपको बताया था कि फ्यूचर पॉपुलेशन है जो हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हमने इसमें सेकंड पढ़ा था ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड, जिसका मैंने आपको फॉर्मूला बताया था पी एन इक्वल टू पी नॉट ब्रैकेट 1 प्लस आर अपॉन 100 ब्रैकेट एन, जहाँ पे मैंने आर आपको बताया था, आर क्या होता है, ये होता था ग्रोथ रेट, जिसको निकालने के दो तरीके थे कि भाई आर एक तो इस फॉर्मूले से निकलता था और एक आर निकलता था कि भाई हमें वैल्यूज़ पता हैं, हमें मतलब इनिशियल जिससे हम निकाल रहे हैं जिस रिस्पेक्ट में पॉपुलेशन उसकी और फाइनल पॉपुलेशन पता है और बीच का टाइम भी पता है, तो यहाँ से भी निकलता था। थर्ड हमने डिस्कस किया था इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड, मैं चाहता हूँ आप इसको देखो मत, पहले आप पॉज करो वीडियो और
सारे कुछ फॉर्मूले खुद लिखो, उसके बाद टैली करो कि भाई तुम्हें याद है कितना, ये फॉर्मूला हमने पी एन इक्वल टू पी नॉट प्लस पी वो एन एक्स बार प्लस एन एन प्लस वन अपॉन टू वाई बार, जहाँ पे एन, ये तो मैंने बता दिया, एन आपको पता है नंबर ऑफ डिकेट्स होता है, वाई बार क्या होता था, वाई बार मैंने आपको बोला था इंक्रीमेंटल इंक्रीज होता था, मैंने आपको बताया था, ये तीन फार्मूले हो गए। एक और लास्ट फार्मूला था जो इसमें हमने पढ़ा था, वो हमने पढ़ा था कि डिक्रीजिंग ग्रोथ रेट फार्मूला के नाम से आपने पढ़ा था, जो थोड़ा सा अलग था इससे, पर यही है, पी इक्वल टू पी एन, पी नॉट पी एन नहीं होता था, हमें पी वन लेते थे हम, याद करो पी वन जब हम शिफ्ट करते थे एक एक डिकेड के बाद, पी नॉट प्लस आर नॉट माइनस आर डैस अपॉन 100 इंटू पी नॉट, पी वन आपको पता है इसके बाद अगली डिकेड की जो पॉपुलेशन है वो है, ऐसे बढ़ता रहता था। पी नॉट जो होता था, पी नॉट हम कहते थे ग्रोथ रेट ऑफ लास्ट डिकेड, आर नॉट कहते थे, और आर डैश जो था, आर डैश आपको पता है एवरेज डिक्रीज इन ग्रोथ रेट था, ये आपको फॉर्मूले मैंने बताए थे। अब हमने अभी करंटली जो पढ़ा है वो था लॉजिस्टिक कर्व, ये भी इंपॉर्टेंट है, हमें याद होना ही चाहिए। तो लॉजिस्टिक कर्व में हमने क्या पढ़ा था, लॉजिस्टिक कर्व की इक्वेशन पढ़ी थी, P इक्वल टू पी एस अपॉन वन प्लस एम लॉग ई बेस इनवर्स ब्रैकेट एन टी, जहाँ पे पी एस इक्वल टू होता था टू पी नॉट पी वन पी टू माइनस पी वन का स्क्वायर ब्रैकेट पी नॉट प्लस पी टू अपॉन पी नॉट पी टू माइनस पी वन का स्क्वायर, जहाँ पे हमें एम कैसे निकालते थे, पी एस माइनस पी नॉट अपॉन पी नॉट जो कॉन्स्टेंट होता था, एन भी मैंने आपको बताया था 2.3 इंटू टी वन लॉग टी ब्रैकेट पी नॉट ब्रैकेट पी एस माइनस पी वन अपॉन पी वन पी एस माइनस पी नॉट ब्रैकेट क्लोज। ये कुछ फार्मूले हैं जो हमने इस पूरे यूनिट्स में डिस्कस किया, मैं चाहता हूँ आप ये फार्मूले बाय हार्ट याद कर लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है गेट में, और क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए हैं। अब हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे, जो मैं डिस्कस करूँगा आपको अगले लेक्चर में। So thank you friends.